क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीएल के आगे जो टाटा स्पॉन्सर लगता है उसके चार्जेस कितने हैं? क्योंकि इस समय आईपीएल का स्पॉन्सर है टाटा। हम सभी अभी टाटा आईपीएल देखते थे, जो माही भाई की टीम सीएसके जीत चुकी। जब 2008 में आईपीएल चालू हुआ था, जब आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो सबसे पहला आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर डीएलएफ, 40 करोड़ में 2008 से लेकर 2012 तक की टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी थी। उसके बाद 2013 से 15 तक पेप्सी ने जो लगभग 80 करोड़ में खरीदी थी। फिर 2016-17 में वीवो ने 100 करोड़ में। इसके बाद फिर 18-19 के लिए वीवो ने चार्जेस बढ़ाए 440 करोड़ रुपए। फिर इसके बाद आता है ड्रीम इलेवन, जिसे टाइटल स्पॉन्सरशिप बहुत सस्ते में खरीदी, 40 हो गए आधे 220 करोड़। 2021 में फिर वीवो 440 करोड़। कुछ भी बोलो भाई साहब, वीवो के पास पैसा बहुत, इंडिया में जो इतने स्मार्टफोन बेचे। फिर 2022-23 में आता टाटा, जिसने टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी लगभग 300 करोड़ में के आसपास। आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सेव एंड शेयर दिस वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीएल के आगे जो टाटा स्पॉन्सर लगता है उसके चार्जेस कितने हैं? क्योंकि इस समय आईपीएल का स्पॉन्सर है टाटा। हम सभी अभी टाटा आईपीएल देखते थे, जो माही भाई की टीम सीएसके जीत चुकी। जब 2008 में आईपीएल चालू हुआ था, जब आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो सबसे पहला आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर डीएलएफ, जिसे 40 करोड़ में 2008 से लेकर 2012 तक की टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी थी। उसके बाद 2013 से 15 तक पेप्सी ने जो लगभग 80 करोड़ में खरीदी थी। फिर 2016-17 में वीवो ने 100 करोड़ में। इसके बाद फिर 18-19 के लिए वीवो ने चार्जेस बढ़ाए 440 करोड़ रुपए। फिर इसके बाद आता है ड्रीम इलेवन, जिसे टाइटल स्पॉन्सरशिप बहुत सस्ते में खरीदी, 40 हो गए आधे 220 करोड़।